उत्तरकाशी में हमारी मौजूदगी है। टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 16वां दिन है आज। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर वो कोशिश की जा रही है जहां से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन टनल के बाहर ही एक अस्थायी रूप से मंदिर बना हुआ भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे। ये बाबा बौकनाथ का मंदिर बताया जाता है, जो यहां पर पहले से ही था। जब ये विकास कार्य शुरू हुआ है, टनल निर्माण शुरू हुआ है, तो मंदिर यहां से हटाया गया, लेकिन अस्थायी मंदिर बना दिया गया। आज सोमवार का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का भी दिन है, और इस मंदिर के पीछे में ये जो पानी का रिसाव हो रहा है, इससे एक खास आकृति बनी है। स्थानीय लोग अब इसे शंकर भगवान की आकृति मानने लगे, और माना जा रहा है कि आज सोमवार का दिन है, यानी ये भगवान शिव की आकृति एक खास संदेश दे रही है, जो स्थानीय लोगों की ओर से अब आस्था जताते हुए दावा किया जा रहा है। वो ये कि अब मजदूर भाई सुरक्षित बाहर निकलेंगे, ये एक शुभ संकेत है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसे कैसे देखते हैं? बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशवा सिंह परमार है। ये टनल के बाहर कुछ ये जो मंदिर बना हुआ, ये पहले भी था यहाँ पर? नहीं साहब, ये हाँ था, पुराना मंदिर था, भोलेनाथ का ये पुराना मंदिर था। और ये जब काम स्टार्ट हुआ है, ये हम लोग पुजारियों ने भी मना किया है कि यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, इसको तोड़ो नहीं, तो नहीं माने वो, उन्होंने तोड़ दिया था। तो जब तोड़ दिया था उन्होंने, तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने तोड़ा है, उसी के 2 घंटे बाद में जो है पैंडल धस गया और हमारे 41 लोग जो है अंदर फंस गए हैं। अब लेकिन जबकि ये एक अस्थाई मंदिर, छोटा मंदिर बना दिया गया है, बाद में शायद इसे बड़ा भी किया जाए, एक ये जो आकृति बन गई है पानी से, एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र मानते हैं आप? हम भोले बाबा का। अच्छा। भोले बाबा शंकर का जो है ये चित्र है, और आज ही सोमवार का दिन है, शुभ दिन है, और आज ही भोले बाबा ने दर्शन दे दिया है, और हम लोग अब बड़े खुश हैं कि आज हमारे भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया है। हमारे जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी अब बाहर आने वाले हैं। जी, और जिस तरह से ये वो मशीन अंदर फंस गई थी काम करते हुए, अब उसका टुकड़ा भी बाहर निकल गया है, कुछ लोग अब काम करेंगे, यानी अब फिलहाल कोई और ज्यादा अड़चन नहीं दिखाई दे रही है, ये किस तरह के संकेत दिखाई देते हैं आपको? संकेत बहुत सुंदर है। अब भोलेनाथ ने जब टंडल के बाहर दर्शन दे दिया है, बौखनाथ के पीछे, मंदिर के पीछे उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिया है, जो पानी वो दिख रहा है सामने से जो दिख रहा है, तो अब हमें ये है कि जल्दी से जल्दी टेंडर तैयार होगा और हमारे 41 लोग जो फंसे हुए हैं वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जब ये मंदिर था, कुछ भजन कीर्तन भी होता रहता था, आप लोग कोई भजन भी करते रहे होंगे, क्या कुछ गाते थे आप लोग? क्या गाते थे आप लोग? हम यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। हमारे जो देव कोई भजन है जो गाते थे, जो आपको याद हो, जो गा सकते हो आप? धन धन हो मेरा ये भोलेनाथ, अरे धन धन हो मेरा ये भोलेनाथ, अरे तेरी जय जय कार होंगे उत्तराखंड माये, अरे क्या चमत्कार बिखेरी देना ये भोलेनाथ, अरे तेरे आशीर्वाद से सब सजा चाचा भैगे उदंकार हो गे हे भोलेनाथ, सबका चेहरा खुली गए ना हे भोला कहना अपनो दर्शन दिया ले, ये आशीर्वाद दीजिए ले, जय भोलेनाथ की जय। ये लोगों की अपनी आस्था है, और आपदा के वक्त ये आस्था भी एक बड़ी ताकत देती है, बड़ा संबल देती है, और यही हिंदुस्तान की अपनी परंपरा है। भले ही विशेषज्ञ अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की अपनी आस्था ये एक बड़ी ताकत होगी, और कामयाबी से ये मिशन पूरा होगा, इस बात की उम्मीद अब स्थानीय लोगों की ओर से भी जाहिर की जा रही है। किस तरह का आज यहाँ पर माहौल है, हमारी सहयोगी प्रियंका भी बता रही है। सिलक्यारा टनल के बाहर बने बाबा बौकनाथ मंदिर के पीछे शिव प्रकट हो गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिलक्यारा टनल के बाहर बने बाबा बौकनाथ के मंदिर के पीछे एक आकृति आज सुबह सुबह खुद बनाई है, जो कि पानी से जाहिर तौर पर बनी है, क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन ये आकृति ऐसी लगती है मानो शिव की आकृति हो, भगवान शिव की आकृति हो, और इसी वजह से ये सुबह से कौतूहल का विषय भी बनी हुई है। इस आकृति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये शिव की बैठी हुई की एक आकृति बनाई गई है, जिसपे हाथ जो है वो कमंडल पर हो,
राहत आशीर्वाद के लिए खड़ा हो। और ये आकृति की जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा भोकनाथ जो इस पूरे जगह के इष्ट माने जाते हैं, उनका जो एक मंदिर सिलक्यारा टनल के बाहर बनाया गया है उसके ठीक पीछे ये महादेव की आकृति जैसी एक तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। अब बाबा भोकनाथ की जब हम बात करते हैं तो बाबा भोकनाथ यहाँ के इष्ट देव हैं, इस पूरे इलाके के इष्ट देव हैं। यहाँ के लोकल्स जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पर जब टनल का काम शुरू हुआ तब बाबा भोकनाथ की स्तुति नहीं की गई, उन्हें पूजा नहीं गया, उनसे अनुमति नहीं ली गई, इस वजह से ये जो डिजास्टर है, ये जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और उनका कहना था कि अब जब ये मंदिर बन गया है तो अब जल्द ही वो कृपा करेंगे। लेकिन ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जो बेहद रोचक तस्वीरें हैं, आप इस बात को नकार सकते हैं, आप इस बात को मान सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी सोच पर है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ बनती हुई नजर आ रही है वो ऐसी ही लग रही है कि मंदिर के ठीक पीछे भगवान शिव की एक आकृति बनी हुई है।